नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जी वीडियो पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मायावी और उनके साथी दुंडी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से योजना बनाई जाए कि हाँ सुग्रीव को कहां किस तरीके से फंसाए, क्योंकि हनुमान जी को व्यस्त कर रखा है राहु और केतु ने मार खा खा। और एक प्रकरण तो ये रहा, दूसरा प्रकरण हमारे पास है माता सीता का और प्रभु श्री राम जी का, जिसमें ये वाद विवाद चल रहा है कि क्या आपके तुनीर से निकले प्रत्येक बाण से अपराधियों का ही वध हुआ है, कोई निर्दोष उसमें नहीं मारा गया है। यदि कोई निर्दोष हुआ उसके परिवारजनों को कौन संतुष्टि देगा, कौन उनको अपनाएगा। ये बात तो वही है जिस प्रकार से गेहूं के साथ धुन भी पिसता था, क्योंकि सारे असुरों ने आक्रमण किया और जब असुरों का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने तीर उठाए हैं, तो प्रत्येक तीर ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप हे मेरे बाण, हाँ उसी के जाके सीने में गड़ जा जिसने तुमने पाप किया, तो ऐसा नहीं है। तो एवरीवन इन अ वॉर जोन विल नॉट आस्क योर रिलीजन। तो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी भी सही है, लेकिन जो दुविधा माता सीता देख कर आ रही है, क्योंकि उनकी हत्या से उनकी पत्नी और जो बच्चे आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं, जल समाधि लेने जा रहे हैं, उनकी समस्या का निवारण प्रभु श्री राम जी को ही करना पड़ेगा। यदि आप रणभूमि में हैं, तो गोलियां कभी पूछेंगी नहीं आपकी जाति धर्म लिंग इत्यादि, वो अगर चली है तो लगेगी, बम गिरा है तो फूटेगा, जो नहीं फूटेगा वो डराएगा। चलिए, जो नहीं फूटेगा यानी वो लोकल बम होगा, गलत कंपनी से बना होगा, इसलिए कंपनी हमेशा अच्छी चुनी है बम खरीदने के लिए। मुर्गा छाप, फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 155 पार्ट 2। मिल गया क्या मिल गया? अच्छी युक्ति खोजी है तुमने। बाली के सामने किसी योद्धा का ही बल आधा हो सकता है, किंतु पशु का नहीं। यदि तुम महिष बनकर उन दोनों पर आक्रमण करोगे तो हम अवश्य ही इन दोनों वानरों को मार पाएंगे। कहाँ चले गए दोनों? यहीं कहीं है। सूर्यदेव को ग्रहण करने जा रहे थे ना, फिर यहां किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? बता, क्षमा कर दो हनुमान, हमने तुमसे असत्य कहा था, हम यहाँ तुम्हारे गुरु सूर्यदेव को ग्रहण करने नहीं आए थे। वो तो मुझे पहले से ही ज्ञात था, इसलिए अब सत्य कहो कि तुम अंजन पर्वत क्यों आए थे? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते,
बताना तो पड़ेगा। है कोई किष्किंधा का वानर जो मेरे इस भैंसे से लड़ सके? आओ आओ मेरे इस भैंसे से युद्ध करो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। हा? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। अरे मैंने तो सुना था कि किष्किंधा के वानर बहुत वीर होते हैं, किंतु कोई वीर सामने क्यों नहीं आ रहा? ऐसा प्रतीत होता है कि ये राज्य वीरों का नहीं, कायरों का है। कुंदवी, यही है अपना लक्ष्य। आज तो इस सुग्रीव की मृत्यु निश्चित है, इसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुझे अपने प्राणों से मोह है क्या? नहीं, और कायर किसको कहता है? ये कायरों की नहीं, वीरों की भूमि है। यदि सच्चे योद्धा हो तो अपने बल का परीक्षण करो। तो तू वीरता देखना चाहता है तो देख, करो सुग्रीव। आज दोनों का अंतिम समय आ गया है। तुम रुको सुग्रीव, मैं इस भैंसे से युद्ध करता हूं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? आपत्ति? मुझे क्या आपत्ति हो सकती है वानर राज? किंतु मेरे इस भैंसे को आज तक किसी ने पराजित नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि किष्किंधा अपना महाराज खो दे। इसका निर्णय तो युद्ध के उपरांत होगा। दशरथ नंद, ये वही स्त्रियां जिनके मेर अपराध पतियों की हत्या आपके बाणों से हुई। और ये वही बालक है जो निर्दोष होते हुए भी आज अनाथ हो गए। किंतु ये बड़े होकर अपराधी ही बने, क्योंकि इन्होंने अपने अनुभव से यही सीखा कि इस संसार में मेरा अपराध होकर जीना ही सबसे बड़ा अपराध है। आप ये कह रहे थे कि आपने कोई अपराध नहीं किया है किसी असुर को मारकर, किंतु क्या इन स्त्रियों और बालकों को जीने का कोई अधिकार नहीं?
आज इनकी रक्षा के लिए कोई भी नहीं, इनके लिए भोजन लाने के लिए कोई नहीं। क्या आपको अब भी ये नहीं लगता कि इनके साथ अन्याय हुआ है? आप सभी को मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी इस वन में उसी प्रकार सुरक्षित हैं जिस प्रकार कोई ऋषि मुनि या मानव। आप सभी स्वतंत्रता पूर्वक इस वन में अपना जीवन व्यतीत कर सकते, अपनी सुविधानुसार जहां चाहे वहां अपना आश्रय बना सकते हैं। विश्वास दिलाता हूं आपको किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। आज से आप सभी की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। बड़े होकर एक अच्छा प्राणी बनना है। सीते, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद मेरे हाथों किसी भी निरपराध असुर का वध नहीं होगा। किसी असुर ने चाहे जितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया, मैं उसे सुधारने का एक अंतिम अवसर अवश्य दूंगा। और यदि वो अपने अपराध स्वीकार कर भविष्य में हिंसा ना करने का वचन दे, तो मेरे हाथ उसका अहित कभी नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड हुए जी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से जो स्त्रियां और बच्चे हत्या करने जा रहे थे, अपनी आत्महत्या करने जा, उनकी परेशानी ये थी कि उनकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाया। और हमने शायद कुछ और ही समझ लिया था कि वो मतलब अभाव में, पिता मोह में अपना अंत करने जा रहे थे। नहीं, ये ठीक है, चलिए समझ में आता। उनके अंदर एक भय था कि अब हमें भी मार दिया जाएगा या हमारी रक्षा कौन था? हमारे पति रहे नहीं जो हमारी रक्षा कर सकते थे, और हम इतने सक्षम हैं नहीं कि हम अपनी रक्षा कर पाऊं। हमें तो खतरा है, तो खतरे से पहले हम स्वयं जाके एक खतरा ले लें। तो खतरा लेने का मतलब अपना दान जान दे। प्रभु श्री राम ने बड़ा अच्छा सोच दिया कि आज वचन दिया है पर वचन जिसने जघन्य अपराध किए हों उनकी उनको भी मैं एक अंतिम अवसर दूंगा अगर वो वचन देते हैं कि मैं इसके बाद हिंसा कभी नहीं करूंगा। यही कारण था शायद कि रावण से भी इन्होंने एक अंतिम चेतावनी दी थी कि जाओ रावण, एक अंतिम अवसर और देता हूं। फिलहाल राहुल तुम बताओगे कैसे? बताना तो तुमको पड़ेगा, नहीं तो बर्फ की सिल्ली पाताल लोक में लाऊंगा। हम सूर्य को निकलने नहीं जा रहे, ग्रहण लगाने नहीं जा रहे, वो तो मैं जानता हूँ। गए क्यों ये बताओ, तुम हमसे काहे चुनौती लेने आए थे ये हमें जानना है। तो पता तो चली गया है। अच्छा, वो भैंसा, वो मुझे एक लाइन याद आ रही थी, व्हाई फिल्मिंग दिस सीन, नो एनिमल हैज बीन हार्म्ड। वीर एक्सपोज़ गंदा था क्या?
और जिस प्रकार से मुझे ये नहीं समझा रहा, जब वो मनुष्य रूप में था, मतलब दैत्य रूप में थे, तो इतने बलशाली थे, अब वो भैंसा बन गए तो भैंसे का बल आ गया, ये नहीं समझ में आता है मुझे। असुरों के पास तो यही है ना कि जिसकी शक्ति ले लेंगे वो ही देखो सियार बन के रहते, तो अब इसके भैंसा ही क्यों बने, सिंह बनना चाहिए था, थोड़ी और ताकत आती, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जिसकी जितनी अकल वैसा उसका रूप। चलिए पाली की लड़ाई देखनी है। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों हमेशा विरोधाभास में डाल देती है कुछ अपनी कहानियों में। एक हमको याद है कि एक राजा थे जिनको अपनी पुत्री की शादी करनी थी विष्णु जी से, जो स्वर्ग लोक की लड़ाई में एक बार पार्टिसिपेट करने गए तो उन्होंने बताया कि अब मुझे विवाह करवाना है, फलाना ढमकाना जो कुछ भी है, तो उनसे बताया गया कि जब तक आपने यहाँ तक आए और ये युद्ध लिया ना, तब तक इतने दिन में तो पता नहीं कितनी सौ सदियां बीत गई हैं नीचे। टाइम डायलेशन एक चीज होती है कि यहाँ का टाइम चलने का अलग होता है और हमारी पृथ्वी का समय जो चलने का है वो अलग है, तो टाइम डायलेशन के कारण आपकी तो कई पीढ़ियां निकल गई, अब तो विवाह हो ही नहीं सकता। ये हनुमान जी के केस में लागू नहीं हो रहा है, इस हिसाब से जिस हिसाब से वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा के पाताल लोक में चले गए, तो ये कहानियां जो लोग बुनते हैं ना, दरअसल मैं किसी को रॉन्ग नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कहानियों को मर्ज करके एक जगह लेके आया जाता है उनको पिक्चराइजेशन थोड़ा सा साइंटिफिक जब हो जाए, जिस भी दिन ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया हमारे इंडस्ट्री में, उस दिन यकीन मानिए देखने में और मजा। सीरीज में इतना कोई विचार करता भी नहीं, हाँ कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो विचार करना चाहिए टाइम डायलेशन का या ठीक है ऐसे में बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं। चलिए फिलहाल इस करते हैं, तो ये समाप्त शीघ्र ही मिलेंगे। नाइक के लिए राधा।